गुड आफ्टरनून स्टूडंट्स. मागच्या क्लासमध्ये आपण 1 ते 50 अंक आणि अक्षरे शिकलो आणि 2 अक्षरी शब्दही. पिछले क्लास में हमने 1 से 50 अंक और अक्षरों को सीखा और 2 अक्षरों के शब्दों को भी. तो आज हम 3 अक्षरों के शब्दों को पढ़ना सीखेंगे. तो तैयार हो आप सभी? ओके, तर चला मग सुरुवात करूया 3 अक्षरी शब्दांना. क प्लस ट प्लस र कटर. अ प्लस ज प्लस य अजय. क प्लस र प्लस न करण. प प्लस र प्लस त परत. ब प्लस द प्लस क बदक. र प्लस त प्लस रयत. स प्लस त प्लस त सतत. ज प्लस ग प्लस त जगत. न प्लस य प्लस न नयन. ल प्लस ख प्लस न लखन. तर हे काय आहेत? 3 अक्षरी शब्द. ग प्लस र प्लस ज गरज. ब प्लस न प्लस व बनव. स प्लस म प्लस ई समयी. म प्लस ग प्लस र मगर. स प्लस र प्लस स सरस. क प्लस म प्लस र कमर. ज प्लस ग प्लस न जगन. स प्लस ह प्लस ज सहज. न प्लस म प्लस न नमन. स प्लस र प्लस ळ सरळ. हे पहा, क प्लस स प्लस र काय आहे? कसर. क प्लस म प्लस ळ कमळ. क प्लस द प्लस म कदम. क प्लस ड प्लस क कडक. क प्लस द प्लस र कदर. ख प्लस ब प्लस र खबर. ख प्लस ड प्लस क खडक. आणि ग प्लस व प्लस त गवत. ग प्लस न प्लस क गणक. ग प्लस ज प्लस ब गजब. तर आता आपण काय पाहिले हे? 3 अक्षरी शब्द. इसके पहले हमने 2 अक्षरों के शब्दों को पढ़ना लिखना सीखा था. तो आज हमने क्या देखा? 3 अक्षरों के शब्दों को. समझ में आया? तो अभी आपको ये सब पूरा नोटबुक में लिखना है. कौन सी नोटबुक में? मराठी की न्यू नोटबुक में. ठीक है? ओके. और आपके अभी कल से टेक्स्ट बुक से पढ़ाई स्टार्ट होगी. समझ में आया? गुड. तब तक आपको इस वीडियो को देख कर, पढ़ कर, लिख कर रखना है. जब भी मैं आपको बुलाऊंगी करेक्शन के लिए, तो पूरा लिख कर, अच्छे से पेंसिल से लिख कर, नीड एंड क्लीन राइटिंग के साथ स्कूल में लेकर आना है. ओके, थैंक यू.